हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ व्यूज़ पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के रूट में कैसे दिखते हैं, कहाँ कहाँ से आप जा सकते हैं, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और कहाँ पे आप बीच में होल्ड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिथौरागढ़ से घाट होते हुए, उसके बाद पनार एक जगह है, वहाँ से होते हुए फिर दनिया है, जहाँ पर आप स्टे करके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वहाँ के पराठे और पहाड़ी रायता चटनी बहुत फेमस है। फिर दनिया से अगर आप आगे मूव करते हैं तो देखिए, फिर अल्मोड़ा से रूट है, दूसरा है पहाड़ पानी से होते हुए। तो मैंने प्रेफर किया पहाड़ पानी से जाने के लिए। यहाँ पे आई थिंक सेप्टेम्बर का टाइम था, तो बहुत ही सुंदर झरना यहाँ पे दिखा। इतना सुंदर झरना है, क्रिस्टल क्लियर इसका पानी है। तो पहला होल्ड लिया दनिया में, दूसरा होल्ड पहाड़ पानी वाले रास्ते में, यहाँ पे ये वाटरफॉल बना हुआ है। ऐसे सफर का मजा लेते हुए जाइए, बीच बीच में होल्ड करते हुए जाइए। अगर आप अल्मोड़ा से जाते हैं तो आपको कैंची धाम मंदिर से होते हुए आना पड़ेगा, नीम करौली बाबा के, जो भी वर्ल्ड फेमस नीम करौली बाबा जी हैं, जहाँ पे मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स भी आए थे, जिनको इंस्पिरेशन मिली अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, अपने बिजनेस करियर में ग्रोथ करने के लिए। आसपास जंगलों से सुंदर पहाड़ी से घिरा हुआ डौल आश्रम, ये देखिए एशिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र है यहाँ पे। साथ में भोलेनाथ शिव भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। और जो युवा हिंदू धर्म में रिचुअल्स लाइक संस्कृत से अध्ययन करना चाहते हैं, और जो भी कर्म कांड होते हैं शादी ब्याह उससे रिलेटेड भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।